हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं अभी एंशिएंट हिस्ट्री पार्ट टू। अगर आपने पार्ट वन वीडियो नहीं देखी है तो पहले वह वीडियो देखिए। उसमें हमने कवर किया था हर्यंका डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंदा, मौर्यन और इंडो ग्रीक्स को। अभी हम नेक्स्ट इस पार्ट में कवर करेंगे शाका, कुशना, सुंगा, कनवा, सतवाहना, पांड्या, चोला, चीरास एंड संगमगेज को। इसमें हम सिर्फ कीवर्ड्स देखेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें से 90% क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपने सिर्फ वही याद रखना है और उसको 100% याद रखना है जो भी चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई जाएंगी। सबसे पहले है शक्का, शाका, शाका याद रखना है आप इसको। शाका, शाका में सबसे फेमस रूलर था जो, उसका नाम था रुद्रदमन और रुद्रदमन भी, रुद्रदमन वन रोमन वन होता है, रुद्रदमन वन फेमस रूलर था। इसमें किस लिए फेमस था? क्योंकि उसने सबसे पहले संस्कृत में जूनागढ़ इंस्क्रिप्शंस करवाई, इंस्क्रिप्शंस इन जूनागढ़, इंस्क्रिप्शन इन जूनागढ़ उसके अंडर हुई और उसने एक काठियावाड़ में सुदर्शन लेक थी उसकी भी रिपेयर करवाई। सुदर्शन शन लेक, सुदर्शन लेक आपने याद रखना है। दो चीजें याद रखनी है रुद्रदमन के बारे में, जूनागढ़ की इंस्क्रिप्शन जो संस्कृत में थी और दूसरी चीज है जो रिपेयर करवाई सुदर्शन लेक की। ये दो चीजें याद रखनी है हमने। उसके बाद शाका के साथ ही जो रिलेटेड चीज है वो है कि इनको हराया था विक्रमादित्य ने, विक्रमादित्य किस लिए, एक और नाम विक्रमादित्य के नाम के साथ ही रिलेटेड है हमारे नेवल में INS विक्रमादित्य। अगर आपको उसके बारे में नहीं पता है तो प्लीज पढ़ लीजिए, वो करंट अफेयर्स में काफी इंपॉर्टेंट है। तो विक्रमादित्य कौन था? किंग ऑफ उज्जैन था, वही था जिसने शाका को हराया। और इसको हराने के लिए जो इस अपनी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए उसने एक नया कैलेंडर शुरू किया जिसको विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही फेमस है और ये हमने याद रखना है कि 57 BC से स्टार्ट होता है ये कैलेंडर है जो विक्रम संवत, 57 BC से स्टार्ट होता है। उसके बाद शाका के साथ और जो रिलेटेड चीज है वो है कि एक पार्थियन से किंग, के बारे में सिर्फ हमने ये याद रखना है कि इनका जो किंग था वो फेमस किंग था गोंडो फिरेंस। ये पूछा जा सकता है कि गोंडो फिरेंस किससे रिलेटेड था, तो ये पार्थियन से रिलेटेड था और इसके रीजन में एक सेंट थॉमस ने विजिट किया था, सेंट थॉमस। ये तीन चीजें याद रखने वाली हैं, थोड़ी सी हटकी हैं मगर शाका के साथ ही रिलेटेड है, पार्थियंस, गोंडोफ्रंस एंड थॉमस, ये चीजें हमने याद रखी। उसके बाद नेक्स्ट है कुशंस का सबसे ज्यादा जो फेमस किंग था वो था कनिष्का। कुशन का फेमस किंग था कनिष्का। और कनिष्का किसके लिए फेमस है? ऊपर जैसे विक्रमादित्य ने विक्रम संवत स्टार्ट किया था, कनिष्का ने क्या स्टार्ट किया था? साकाइरा कब से स्टार्ट होता है? AD 78, वो BC 57 से शुरू होता था, ये AD 78 से स्टार्ट होता है। और कुशंस ही थे जिन्होंने
सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे, गोल्ड कॉइन्स ऑन लार्ज स्केल इशू किए थे सबसे पहले हमने, में किसने किए थे सबसे पहले, हमने पिछली वीडियो में देखा था इंडो ग्रीक्स ने किए थे, मगर लार्ज स्केल पे किसने किए थे, कनिष्का ने किए थे, कुशन कुशन वंश में किए गए थे। तो ये ट्रिकी सी चीज़ें आपने आपको याद रखनी है। और कुशंस का ओरिजिन कहाँ से हुआ था, कुशंस आए थे स्टेपीज से, स्टेपीज स्टेपीज क्या चीज़ है ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, स्टेपीज ग्रासलैंड्स के बारे में जो हैं, ये ग्रासलैंड्स हैं यूरोप की, फाइव मेन ग्रासलैंड्स हैं, उसमें से स्टेपीज एक हैं, और ये वहाँ के नोमैडिक पीपल थे और वहाँ से आए थे। और इनके और दो नाम भी हैं जो आप याद रख सकते हैं, यूची और टोचारियंस, सबसे फेमस भी हैं। तो आपको यही चीज़ें याद रखनी हैं। और एक और क्वेश्चंस के बारे में है जो इनके बारे, इनके टाइम पे बहुत सारे स्कॉलर आए थे और उन सब स्कॉलर्स के आपने नाम याद रखने हैं, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि कौन सा स्कॉलर इनमें से कृष्णा के पीरियड का नहीं है। तो पसवा, वासुमित्रा, ये अपने याद रखने हैं नाम, अश्वघोषा और नागार्जुना, जुना और चरक, चरक चरक संहिता के लिए मशहूर है, ये फिजिशियन था, आज भी ये चरक संहिता यूज की जाती है, और अथारा। तो ये सभी नाम आपने क्वेश्चन के साथ याद करने हैं, ये सब स्कॉलर्स के नाम हैं, परसा, वसुमित्रा, अश्वघोषा, नागार्जुना, चरक और मात्रा। तो इसके साथ ही क्वेश्चन के बारे में हमने मेन मेन चीज़ें कवर कर ली, जिसमें से मैक्सिमम चांसेस हैं क्वेश्चन पूछे जाने के। इसके बाद नेक्स्ट डायनेस्टी आती है सुंगा, ये सूंघते थे सबको, इसलिए इनका नाम है सुंगा। तो सुंगा के बारे में हम देखते हैं क्या क्या फेमस है। सुंगा को किसने इस्टेब्लिश किया था, इसको इस्टेब्लिश किया था पुष्यमित्र सुंगा, पुष्यमित्र सुंगा ने इसको इस्टेब्लिश किया था। ये थे बेसिकली ब्राह्मिन्स, ब्राह्मिन्स से ये बेसिकली, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि एक नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी नंदा आई थी सबसे पहले, और मगर ये जो सुंगा थे ये ब्राह्मिन्स थे, और इसलिए ब्राह्मिन्स होने के कारण इस टाइम में भगवतिज्म का रिवाइवल हुआ, भगवतिज्म का रिवाइवल हुआ। ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा जाता है, ऐसी चीज़ें आपने याद रखनी है। सुंगा पशुमित्रा ने इस्टेब्लिश की ब्राह्मीन से भगवतिज्म को रिस्टेब्लिश किया, और इसके टाइम में एक सबसे इम्पोर्टेंट पतंजलि जो योग के साथ रिलेटेड हैं, उन्होंने बुक भी लिखी थी, पतंजलि ने बुक लिखी थी एक, उसको आपने याद रखना है, महाभाष्य, महाभाष्य याद रखना है, पतंजलि इनके टाइम पे थे, सुंगा डायनेस्टी के टाइम पे, और पतंजलि योगपीठ बाबा रामदेव की इसी पे आधारित है। और इनके टाइम पे भी एक स्टुप्पा था जो फेमस है, वो है भारत हट स्टुप्पा, भारत हट स्टुप्पा, ये इनके टाइम पे फेमस है, जैसे हमारे अशोका के टाइम पे सांची स्टुप्पा फेमस है, वैसे ही सुंगा के टाइम पे भारत हट, भारत नट नहीं, भारत हट स्टुप्पा फेमस है। पश्यमित्रा ब्राह्मीन से भगवतीतम रिवाइवल किया, पतंजलि महाभाष्य लिखी थी, और भारत नट भारत हट स्टूपा इनके टाइम का था। इसके टाइम नेक्स्ट डायनेस्टी है जी कनवा डायनेस्टी, कनवा डायनेस्टी जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। कनवा, तो कनवा डायनेस्टी के बारे में जो फेमस चीजें हैं वो ये हैं कि सुंगा के जो लास्ट थे देवाभूति, उनको मर्डर किया वासुदेवा ने, और ये एस्टेब्लिश की कनवा डायनेस्टी। वासुदेवा आपने याद रखना है नाम, और कनवा ने
शुंगा को किया और शुंगा के बाद आए सत्वाहना। सत्वाहना बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए सिर्फ वासुदेव नाम याद रखना है। इसके बाद सत्वाहना आते हैं, सत्वाहना के बारे में हम पढ़ेंगे। सत्वाहना के फाउंडर कौन थे? सिमुका। तो ये सारी डायनेस्टीज के आपने जो है फाउंडर्स के नाम याद रखने हैं, ध्यान में रखने हैं। और सामुका थे इसके, और सत्वाहना के अंडर जो फेमस चीज है कि बहुत सारे चेत्यास एंड विहारास, चेत्यास एंड विहारास बने। क्या होता है चेत्यास एंड विहारास? आर्ट एंड कल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट है। चेत्यास होते हैं, चेत्यास होते हैं वर्शिपिंग से रिलेटेड हॉल्स, और विहारास होते हैं मोनेस्ट्री रहने के लिए, जहाँ पे विहार करते हैं रहते हैं। और इनके फेमस जैसे जगह पे जिन्होंने पे इन्होंने बनाई थी वो नासिक, कान्हेरी और करले जगह पे बनाई थी, लोकेशन पे बनाई थी इन्होंने चित्रास एंड विहारास। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी थी इनकी? प्राकृत, प्राकृत थी इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज। पिछली में हमने देखा था कि अशोका की कौन सी थी? ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन थी, और इनकी थी ऑफिशियल लैंग्वेज प्राकृत। और इनके कॉइन्स थे सत्वाहनास के, कॉइन्स के लिए भी फेमस हैं, और कॉइन्स जो थे मेनली लेड के थे, कॉइन्स से तो मेनली थे लेड के। इसके अलावा भी और थी, कॉपर ब्रॉन्ज भी यूज़ किया जाता था। और इनके एक इम्पोर्टेंट किंग और भी हैं सिमुका के बाद, वो हैं गौतमी पुत्र सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी। तो ये सारी चीजें सत्वाहना के बारे में याद रखने वाली हैं। सिमुका, गौतमी पुत्र सतकर्णी इनके होते, चेत्र विहारास इन्होंने बनाए, प्राकृत इनकी लैंग्वेज थी, और कॉइन इन्होंने मेनली रेड के बनाए। आगे जाने से पहले एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हम पढ़ चुके हैं साका, कुशना, सुंगा, कनवा और सत्वाहना। साका के बारे में रुद्रदमन वन ने इसका शुरू किया साका को, और इसने सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाया, और इसकी इंस्क्रिप्शन थी जूनागढ़ में संस्कृत लैंग्वेज में। उसके बाद विक्रमादित्य ने इनको हराया, और उसको सेलिब्रेट करने के लिए नया कैलेंडर शुरू किया, विक्रम संवत 57 BC में। इसके बाद पार्थियंस में से गोंडोफिरंस फेमस थे, जिनके दौरान सेंट थॉमस आए। कुशनास में कनिष्का फेमस थे, उन्होंने साका ईरा शुरू किया AD 78 से। संवत था 57 BC से, ये था 78 AD से। इन्होंने गोल्ड कॉइन्स इशू किए लार्ज स्केल पे, सबसे पहले नहीं इशू किए मगर सबसे लार्ज स्केल पे इशू किए, लार्ज स्केल पे इशू करने वाले ये पहले थे। और ये स्टेपीज से आए थे, नोमेडिक स्पीशीज थी वहाँ की। इनके टाइम पे स्कॉलर आए जिनके नाम थे परसवा, वसुमित्रा, अश्वघोषा, नागार्जुना, चरक और मथुरा। सुंगा के टाइम पे पशुमित्रा ने, सुंगा ने इसको एस्टेब्लिश किया, ब्राह्मण से ये भगवतीज्म का रिवाइवल किया, पतंजलि ने महाभाष्य लिखी इसके टाइम पे, और भारतनाथ स्टूपा भी सुंगा डायनेस्टी से रिलेटेड है। कनवा में वासुदेवा ने कनवा डायनेस्टी की स्थापना की सुंगा को हरा के, मगर इनको हरा दिया आगे सत्वाहनास ने, सत्वाहनास को अंधरा भी बोला जाता है। सिमुका इनका फर्स्ट रूलर था, और गौतमी पुत्र सतकर्णी फेमस रूलर था। सचेत्रा, चेत्रास होते हैं वर्शिपिंग वाले, और विहार्स होते हैं रहने वाले। और प्राकृत इनकी लैंग्वेज थी, कॉइन्स इन्होंने इशू किए जिसमें से मेन कॉइन्स थे लेड के, लेड के मेन कॉइन। और इसके बाद हम देखेंगे पांड्या, चोला और चीरा, ये तीनों हम एक साथ ही देखेंगे क्योंकि इन तीनों के रीजन इम्पोर्टेंट है, ये साउथ में है तीनों। तो सबसे पहले हम देखने लगे हैं पांड्या के बारे में। तो पांड्या की कैपिटल थी मदुराई, मदुराई जो है तमिलनाडु में, और इनका रीजन मदुराई के आसपास ही था,
और ये जो है फेमस थे पर्ल्स के लिए, और मैगस्थिनीज ने इनको बोला कि ये लैंड थी जो इनकी पर्ल्स के लिए फेमस थी। और उसके बाद एक और चीज़ जो इनकी इम्पोर्टेंट है वो है कि इन्होंने रोमन अम्पायर के साथ ट्रेड किया और वहाँ पे अपने एम्बेसडर भी सेंड किए, तो ट्रेड विद रोमन रोमन। तो पांड्याज के बारे में, मदुराई कैपिटल पर्ल्स के लिए फेमस थे और ये जो है ट्रेड किया इन्होंने रोमन के साथ, मदुराई जो आजकल के तमिलनाडु में है। उसके बाद आए उसके साथ, अब इसके बाद बढ़ेंगे हम चोलास। चोलास को चोलामंडलम भी बोला जाता है। ये नॉर्थ ईस्ट में थे, पांड्या की किंगडम के नॉर्थ ईस्ट में थे। नॉर्थ ईस्ट में दो रिवर्स के बीच में थी इनकी किंगडम, वो दो रिवर्स के नाम याद रखने हैं हमने, पेनार एंड वेलार। तो एक बार आप मैप पे इनके देख सकते हैं ताकि ज़्यादा याद रख सकें। तो पांड्या मदुराई में थे, ये पेनार एंड विलार रिवर्स के बीच में इनका किंगडम था। और इसके बाद है चीराज। चीराज जो मॉडर्न डे केरला है वहाँ पे था इनका चीराज का, तो मॉडर्न डे केरला। और इनकी कैपिटल थी वंजी, वंजी कैपिटल थी, और इसको केरला कंट्री भी बोला जाता था कई बार। और इन्होंने भी रोमन के साथ ट्रेड किया, रोमन के साथ ट्रेड किया। तो पांड्यास, चोलास और चीरास हमने कवर किए हैं। पांड्यास मदुराई पर्ल्स जो मेगस्थनीज ने बोला था और ट्रेड विद रोमन किया, चोलास पिनार और विलार रिवर के बीच में थे, चीरास केरला में थे और वंजी इनकी कैपिटल थी। इसके बाद आती है संगम एज। संगम एज बहुत इंपॉर्टेंट है। संगम एज क्या है? संगम एज है पोस्ट मौर्य और प्री गुप्ता, पोस्ट मौर्य प्री गुप्ता एज। और ये जो था किसकी असेंबली थी, संगम किसकी असेंबली थी? तमिल पोइट्स की, तमिल पोइट्स की असेंबली थी, और अंडर द रॉयल पेट्रोनेज, अंडर रॉयल पेट्रोनेज। अगर मेंस में भी आता है तो आपने ये चीज जरूर लिखनी है, पेट्रोनेज, तमिल पोइट्स अंडर रॉयल पेट्रोनेज। और इनके तीन संगम हुए थे, तीन संगम हुए, और ये तीनों संगम्स के बारे में आपने याद रखना है कि पहला जो था मदुराई में हुआ, मदुराई जो पांड्यास की कैपिटल थी, और ये किसके अंडर हुआ? ये हुआ अगस्त्य, अगस्त्य। और उसके बाद जो था सेकंड वाला जो है जो सेकंड नंबर का था वो हुआ था कपतपुरम, कपतपुरम। और ये चेयर किया गया था कपतपुरम तोल का पियार, तोल का पियार कपतपुरम, कपतपुरम और तोल का पियार। और थर्ड वाली थी जो, ये हुआ था फिर से मदुराई में, और ये किसने चेयर किया था? नकियार, नकी रार। पहला था तोल का प्यार, तोला प्यार को, दूसरा था नकियार, पहला था अगस्त्य के अंडर। तो ये हमने याद रखने हैं, पहला मदुराई में अगस्त्य के भी, और दूसरा कपटपुरम, तीसरा फिर से मदुराई में। और इसी टाइम पे क्या लिखा गया था? कुराल, कुराल लिखा गया था जिसको हम फिफ्थ वेदा के नाम से भी जानते हैं। तो फिफ्थ वेदा बोला जाता है
कुराल को, आपने याद रखना है कुराल किसने लिखा था इसको, तिरुवल्लुवर, तिरुवल्लुवर, तिरुवल्लुवर ने लिखा था और इसको फिफ्थ वेदा या फिर बाइबल ऑफ तमिल लैंड बोला जाता है, फिफ्थ वेदा और फिफ्थ वेद और बाइबल ऑफ तमिल लैंड। तो इसके साथ ही हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लिए हैं संगम एज के, तो ये आपने बार बार रिवाइज करने हैं सब कुछ। एक बार फिर से हम देख लेते हैं संगम एज में तमिल पोइट से तीन संगम हुए थे, मदुराई कल्पतरम और मदुराई पे, योगास्त्या तोलकपियार और नाकियार के अंडर हुए, और इसी टाइम पे कुराल लिखा गया तिरुवल्लुवर के द्वारा जिसको फिफ्थ वेद या बाइबल ऑफ तमिलनाडु भी बोलते हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं शाकास, कृष्णा, सुंगास, कन्वा, सतवाहनास, पांड्यास, चोलास, चीरास और संगम एज के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम गुप्ता पीरियड से देखेंगे। थैंक यू।